जय हिंद, नमस्कार मेरे शेयर श्रेणी, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का हमारा वीडियो स्पेशली SSGD 2024 का कल जो रिजल्ट आया उसके ऊपर है। कट ऑफ आपने देख ली होगी, कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है, जितनी उम्मीदें थी उससे ज्यादा गई है, जितना हम सोच रहे थे उससे भी बहुत ज्यादा गई है। स्पेशली जब पोस्ट ऑफ वैकेंसी इतनी बढ़ गई उसके बावजूद मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये पोस्ट ऑफ वैकेंसी नहीं बढ़ती, आप समझिए इस बात को कि 26,000 की जगह भी 25,000 वैकेंसी होती तो मुझे लगता है कि आप अगर 160 में से 160 भी लाए होते तो भी सिलेक्शन की आपको बहुत मुश्किल हो जाती। क्यों? क्योंकि कट ऑफ जिस हिसाब से अगर आप देखो, जैसे कट ऑफ जो दी गई है आपने देख लिया होगा वैसे, तो इस टाइप की कट ऑफ यानी इतनी ऊपर जाना कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता कि इतनी ऊपर, इतनी हाई लेवल पर कट ऑफ जा सकती है। ये जो कट ऑफ है फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसी ऑफ SSF, यानी SSF के लिए जो लड़कियों की कट ऑफ गई है और वो भी फिजिकल की, मात्र फिजिकल की कट ऑफ है, लाड़ दो ध्यान रखना। एससी कैटेगरी की 138, ST की 130, OBC की 144, EWS की 143, जनरल की 146, यानी ये फीमेल की कट ऑफ 160 में से। आप ये सोचिए कि अगर ये 20,000 की वैकेंसी नहीं बढ़ती तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे तो ऐसा लगता है कि 160 में से 160 हिलाने पड़ते। और जो फीमेल क्वालिफाई हुए हैं टोटल मिला के 38,328 फीमेल क्वालिफाई हुई है, ध्यान रखना, ठीक है, 38,000 लड़कियों को क्वालिफाई किया गया है। इसकी जो फाइनल कट ऑफ और कितनी बढ़ सकती है इसके ऊपर एक मैं पूरा एनालाइज करके एक बढ़िया सा वीडियो लेके आऊंगा, उस वीडियो को आप देखना अच्छे से, डिटेल में लेके आऊंगा। ये है लड़कों की कट ऑफ। अब सोचिए लड़कों की जो कट ऑफ है वो SC कैटेगरी की SSF की 148, ST की 143, OBC की 152, EWS की 151, जनरल की 153। अगर सोचिए पोस्टें नहीं बढ़ी होती तो मतलब ये तो 160 पे चली जाती है, और ये फिजिकल की कट ऑफ है ना कि फाइनल कट ऑफ, यानी मात्र 6 नंबर कम। समझ रहे हो आपको कितना परसेंटेज, लगभग 99% जो बच्चा नंबर लाएगा या 100% नंबर लाएगा उसको चांस है कि उसको SSF मिले। एक आपके मन में ये भी आ रहा होगा सर फिजिकली कट ऑफ इतनी चली गई तो अगली कितनी जाएगी, चांसेस अब थोड़े से कम हो जाते हैं ऊपर जाने के, लेकिन हाँ SSF की तो मुझे लगता है 160 टच करेगी, पूरे 160 में जाएगी जनरल कैटेगरी की, जिनके 160 में 60 है उनको भी शायद नहीं मिलेगी। टोटल जो लड़कों में पास किए गए हैं वो लगभग 3,08,000 किए गए हैं, लड़कियों की मिलाकर अगर हम देखें तो 3,38,000 और कुछ रिक्त रखे गए हैं, तो उनको मिलाकर लगभग 3.5 लाख के आसपास बच्चे पास किए गए हैं 46,000 के अगेंस्ट, लगभग 7.5 गुना के आसपास बच्चे या 8 गुना के आसपास मान सकते हो पास किए गए, पास उतने किए गए जितने पिछली बार किए गए। अब कट ऑफ इतनी ऊपर चलेगी, आपके मन में भी आ रहा होगा, कई बच्चों ने मेरे को बोला सर क्या एक और कट ऑफ आएगी, क्या सर और कोई दूसरी लिस्ट आएगी, क्या ये फेक कट ऑफ, जैसे ही अचानक इसको देखा था सबके मन में से क्वेश्चन आए, लेकिन अब आप सबके भी ये डाउट क्लियर हो गए कि कट ऑफ तो यही है। और फिजिकली कट ऑफ इतना ऊपर जाने का सबसे मुख्य रीजन है पेपर का लेवल बहुत आसान आना, बहुत ईजी पेपर आया था इस बार, मैं बार बार बोल रहा था कि पेपर बहुत आसान आया था, यानी SSGD का मुझे लगता अब तक का सबसे सरल पेपर इस बार का पेपर था, इसीलिए हर एक इंसान की जो उम्मीदें हैं वो टूट गई थी। और जो भी कट ऑफ का अनुमान था शायद पिछली बार की फाइनल मेरिट से भी ऊपर है, मेरिट पिछली बार की जैसे SC कैटेगरी राजस्थान की लड़कियों की फाइनल मेरिट थी 108 के आसपास या 105, इस बार फिजिकली कट ऑफ 119 है, मतलब पिछली बार की जो फाइनल कट ऑफ है उसको पीछे छोड़ दी भाई, फाइनल कट ऑफ को फिजिकल कट ऑफ ने पीछे छोड़ दिया, तो मुझे तो लगता है भाई आपको अगली जो वैकेंसी है उसके लिए से कमर कस लेनी चाहिए और रात दिन एक करके पढ़ाई करनी चाहिए लाडलो, जितना आप कर सकते हो जितना कर सकते हो, यानी जितना 24 आवर्स आप पढ़ सकते हो तो मैं तो बोलता हूँ 24 घंटे पढ़ना शुरू कर दो अगर आपको नंबर चाहिए भाई, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ हर एक स्टेट की जो कट ऑफ रही है वो, अगर हम बात करें देखना स्टेट वाइज अगर कट ऑफ की हम बात करें एक बार मोटा मोटा हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा एक पूरा वीडियो लेके आऊंगा कि फाइनल कट ऑफ अब कितना ऊपर जा सकती है और क्या सेकंड लिस्ट भी आने के चांसेस है, इसके ऊपर तो थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा भाई। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो लगभग आंध्र प्रदेश में इस बार कट ऑफ बेहतर से लेकर और 92 हाईएस्ट गई है, ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश तेलुगु तो उस साइड का एरिया, तो हमारे उधर वीडियो शायद ही कोई देख रहा होगा हिंदी लैंग्वेज में। असम की जो कट ऑफ गई है लाड लो, वैसे आप सबने देख ली होगी अगर इस पर एनालाइज नहीं करें, और आप मोटा मोटा अगर देख लो जैसे बिहार की जो कट ऑफ है लड़कियों की, ध्यान रखना कई बच्चे, हाँ एक बच्चे का कमेंट था कि सर मेरे यहाँ की कट ऑफ इतनी गई है और मेरे नंबर इतने फिर भी मेरा नाम लिए नहीं है लिस्ट में, लाडले तूने जो कट ऑफ देखी है ना लड़कियों की देख ली है, जो पहली ये कट ऑफ चल रही है ना ये लड़कियों की, और जो दूसरी कट ऑफ है ना इसके लास्ट में वो लड़कों की है,
तो आपको लड़कों की कट ऑफ देखना, वो कट ऑफ लड़कियों की कट ऑफ से काफी ऊपर गई है भाई, ठीक है। बिहार में अगर लड़कियों की देखें तो जनरल एरिया की ईडब्ल्यूएस से देखो 118, ओबीसी की 119, एससी की 93 और जनरल की 122। नक्सल एरिया की भी इतनी ज्यादा कट ऑफ गई है बिहार से 108, 109, 88, मतलब उस बार कट ऑफ ने भाई आसमान छू लिए लाडलो। इतनी कट ऑफ का अनुमान शायद ही किसी ने लगाया होगा, और किसी भी चैनल या किसी भी जितने भी जो यूट्यूब पे जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, किसी के अनुमान यहां तक नहीं गया था, जिससे कई ज्यादा ऊपर गई है एसएससी जीडी की इस बार की फिजिकली कट ऑफ। और मैं ये बोलता हूँ फाइनल कट ऑफ भी ऊपर जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल भी नहीं जाएगी, जाएगी तो सही, कम से कम 8 से 10 नंबर का जंप तो होगा, 8 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर का जंप तो होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। समझ गए बात को, बाकी आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो मैं डाल देता हूँ, क्योंकि अगर इसको पूरा बनाएंगे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, तो आप देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे कमेंट बॉक्स में बताना, एक वीडियो में पूरा डिटेल में बना दूंगा। बाकी कमांडो अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये पीडीएफ शेयर भी मैंने रात को कर दी थी, ठीक है लाडलो। जय हिंद, जय भारत।